हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, और आज हम न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लिख लेना, यहाँ एस रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कैपेसिटर के बारे में स्टडी करना है। क्या करना है? कैपेसिटर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेटा, आप लोग जानते हैं कि चार्ज के बारे में, आई थिंक थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, उसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। चार्ज दो तरह का होता है, जिसे मैंने ही बताया था, मास के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ मास एक टर्म हमने लिया था, टेस्ट मास, और एक क्या होता है, फील्ड मास होता है। क्या होता है? फील्ड मास या टेस्ट मास, और दूसरे को हम बोलते थे सोर्स मास। सोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो क्या करे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है, उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है फील्ड चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। और क्या देखो इधर, तो चार्ज बेसिकली क्या होगा, एक होगा चार्ज क्या होगा, सोर्स चार्ज, ठीक है, इसको मैं स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहा हूं, और एक क्या होगा, फील्ड चार्ज, इसको मैं अभी कैपिटल क्यू से मान लिया। सोर्स चार्ज का मतलब क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और जो फील्ड चार्ज होता है, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल क्यू को हमने क्या कंसीडर किया है, फील्ड चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो ये क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंस वनली इलेक्ट्रिकल और क्या होगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट, फोर्स एंड फील्ड। समझ में आया ना? जब भी मैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोल रहा हूँ, मैग्नेटिकल इफेक्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? तो इट विल एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट, ठीक है। इट विल एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, इट विल एक्सपीरियंस द क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट। समझ में आई बात? तो अपने को क्या पढ़ना है,
अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कब क्रिएट होगा और मैग्नेटिकल इफेक्ट कब क्रिएट होगा, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कब क्रिएट होगा और मैग्नेटिकल इफेक्ट क्रिएट कब होगा। तो चार्ज क्या हो सकता है, देखो चार्ज क्या होगा, रेस्ट में भी हो सकता है, मूव भी करेगा और क्या करेगा, कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज में भी एट रेस्ट, में भी इन मोशन, ठीक है, क्या होगा सोर्स चार्ज में भी एट रेस्ट और में भी इन मोशन। सोर्स चार्ज होगा वो क्या होगा, मूव भी कर सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब सोर्स चार्ज क्या होगा, रेस्ट में क्या होगा, रहेगा। समझ में आया क्या, क्या सोर्स आई मीन चार्ज को हमने दो तरह से सोचा, एक क्या करेगा कि केवल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और दूसरा जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट के प्रेजेंस को क्या करेगा, महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो सोर्स चार्ज क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा व्हेन, याद रखना है कि क्या होगा व्हेन सोर्स चार्ज इज क्या होगा, इज एट रेस्ट, सोर्स चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन सोर्स चार्ज इज एट रेस्ट इट विल क्या होगा, इट विल वनली क्रिएट या इट विल वनली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। समझ में आया क्या, आई मीन यदि यहाँ कोई चार्ज दिया हुआ है, सोर्स चार्ज है, ये क्या है एट रेस्ट में, तो ये केवल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या करेगा, प्रोड्यूस्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, तो क्या आपको पढ़ना है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको क्या पढ़ना है, वनली क्या होगा फील्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द क्या होगा चार्ज विच इज एट रेस्ट, सोर्स चार्ज विच इज एट रेस्ट, फील्ड चार्ज क्या होगा, मूव भी कर सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, उसके बारे में मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां मैं नोट में लिख देता हूं बेटा, ये ध्यान रखना है कि इन क्या होगा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी ओनली स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, वी ओनली स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट produced by charge which is at rest। अभी हमने चार्ज के बारे में नहीं पढ़ा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसके बारे में बताया, समझ में आया बेटा। तो चार्ज को हम दो तरह से सोचते हैं, एक जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को और मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्रिएट करता है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट के प्रेजेंस को क्या करता है, महसूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। तो जो महसूस करता है एक्सपीरियंस करता है उसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे या फील्ड चार्ज बोलेंगे, और जो क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज विच इज एट रेस्ट, क्या होगा विच इज एट रेस्ट। ये भी बेटा आपको मालूम है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव चीज है, समझ में आया ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि चार्ज, अब एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, कि जब चार्ज क्या होगा, ये समझ में आया कि चार्ज एट रेस्ट ओनली क्रिएट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, चार्ज इन क्या होगा, इन मोशन, देखो ध्यान से इन मोशन, ठीक है। अब चार्ज इन मोशन जो होगा दो तरह के हो सकते हैं, देखो यहां क्या होगा, चार्ज जब भी मैं बोल रहा हूं तो कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, यहां लिखना व्हेन, ऐसे लिख लो व्हेन सोर्स चार्ज, ठीक है,
इज इन मोशन। अब मोशन दो तरह से हो सकता है, ठीक है, चार्ज, चार्ज इज मूविंग, मूविंग विथ क्या होगा बेटा, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। सबको वन बाई वन आगे पढ़ना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा यही क्या है, दिस इज, मैं लिख रहा हूं कौन सा चार्ज, सोर चार्ज, सोर चार्ज, और इट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड और क्या होगा, डायरेक्शन दोनों कॉन्स्टेंट हो जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करता है, देखो ध्यान से, ये ध्यान रखना है कि यदि ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इट विल क्या होगा, क्रिएट, इट विल क्रिएट क्या होगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट, मैग्नेटिकल इफेक्ट, और दूसरा क्या क्रिएट करेगा, ये क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट, और दूसरा जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिकल इफेक्ट का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जब क्या होगा, केवल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सब अपने को आगे पढ़ना है, अभी अपने को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड जो होगा वो चार्ज क्या हो सकता है बेटा, चार्ज एक्सेलरेट हो सकता है, आई मीन व्हेन चार्ज, सोर्स चार्ज इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें जो बी पॉइंट होगा, व्हेन व्हेन सोर्स चार्ज इज क्या होगा, व्हेन सोर्स चार्ज इज मूविंग विथ क्या होगा, विथ वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। आई मीन यहाँ जो होगा भी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, ये सब आगे पढ़ना है बेटा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ क्या होगा, यही क्या है, चार्ज है, ये कोई चार्ज है, देखो ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, एंड मान लो कि ये मूव कर रहा है, ठीक है, क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, नॉट कॉन्स्टेंट। तो ये तीन चीज क्रिएट करता है, ठीक है, देखो ध्यान से, पहला क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ठीक है, दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिकल, मैग्नेटिकल इफेक्ट, और तीसरा जो होगा वो क्या क्रिएट करेगा, इट विल रेडिएट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड रिलीज एंड प्रोड्यूस्ड क्या होगा, यहाँ बोल सकते हैं प्रोड्यूस्ड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMW, EMI नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि सोर्स चार्ज जो होता है क्या है, मोशन में होता है, जिसमें हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होगा बेटा, कि सोर्स चार्ज क्या होगा, अलवेज क्या होगा, हम उसको रेस्ट में मानेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होगा, कि सोर्स चार्ज अलवेज क्या होगा, मूव करेगा। तो जो मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिकल इफेक्ट भी क्रिएट करता है, जो चार्ज एक्सलेट होता है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, और क्या करेगा, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, प्रोड्यूस्ड भी करेगा, समझ में आया बेटा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना। अब हम आते हैं कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज के बारे में अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज क्या होगा बेटी बेटा, चार्ज का मतलब क्या होगा, इट इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद क्या होगा, मैटर। ये मैटर का प्रॉपर्टीज होता है जिसके वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड क्या होगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट।
क्या होता है, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज होता है जिसके वजह से मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है, और एट द सेम टाइम कहीं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है या नहीं है, कहीं मैग्नेटिकल इफेक्ट है या नहीं है, उसके प्रेजेंस को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है या महसूस करता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज, लिख लो बेटा तुम लोग, इट इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, मैटर ड्यू टू विच मैटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल और ऐसे लिख लें मैग्नेटिकल इफेक्ट। ठीक है, इट इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच मैटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट एंड क्या होगा, एंड एक्सपीरियंसेस experiences the क्या होगा, the presence of electrical और क्या होगा, और magnetical effect। ठीक है, समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिक किसी भी ये क्या होगा, मैटर का प्रॉपर्टीज होगा जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा, और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, उसके प्रेजेंस को क्या करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा। ठीक है, समझ में आया ना, तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, उसको हम कैसे सोचेंगे, तो वहाँ चार्ज को लाएंगे या मैटर को लाएंगे और हम देखेंगे कि चार्ज जो है वो क्या, उस पर कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, यदि इफेक्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं यार, यहाँ इस रीजन में चार्ज है और अदरवाइज सॉरी इस रीजन में फील्ड है, अदरवाइज क्या है, इस रीजन में फील्ड नहीं है। ठीक है, समझ में आया, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ एनी मैटर बिकॉज ऑफ विच इट्स क्रिएट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिकल इफेक्ट एज वेल एज एक्सपीरियंसेस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट। ठीक है, अब बेटा मैटर जो होता है, मैटर को हम क्या बोल सकते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ विथ, जनरली हम बोल सकते हैं एटम्स। ठीक है, समझ में आया, और एटम्स में बेसिकली हम ऐसे सोचें तो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी एलिमेंट पार्टिकल्स होता है। एटम में क्या क्या होगा आप लोगों को मालूम ही होगा, किसी भी एटम में क्या क्या होता है बेटा, है ना। ठीक है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इस पे आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है चार्जलेस होता है। ठीक है, इस पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉन्सेप्ट अब चार्ज होगा, जनरली क्या होता है ये भी आपको मालूम है कि प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन्स इज ऑलवेज टाइटली बाउंडेड विद द क्या होगा न्यूक्लियस, प्रोटॉन जो होगा, और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं रहता है, ऑर्बिट में क्या होता है सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा ये तो, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैं बोलूं कि किसी भी मैटर में, मान लो कि क्या है कोई मैटर है, यदि इसमें देखो ध्यान से ये कोई मैटर है। ठीक है, इसमें जितने क्या होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, मान लो कि इसमें क्या हो जाए निगेटिव चार्ज हो जाए। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि इस पे चार्ज जो है वो क्या है, जीरो है।
जीरो है ना बेटा, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये कोई मैटर हमने कंसीडर कर लिया या कोई बॉडी कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है बेटा, ठीक है। आई मीन हम बोल सकते हैं np इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम बोलेंगे कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, मींस क्या है, ये चार्जलेस है। क्या है, चार्जलेस। समझ में आया ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो आप ऐसे, ठीक है, इस पे मान लो, देखना ध्यान से, यहां आप देख सकते हो ये कोई बॉडी है। इस पे आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये आपको मालूम है, चार्ज बॉडी, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन से क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज स्मॉलर देन क्या है या लेसर देन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहां बोल रहे हैं कि चार्ज जो है, बॉडी जो है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है, उस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस ये भी हो सकता है, ठीक है, कि मान लो कि कोई बॉडी है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ये बॉडी पे क्या है, एन पी, नंबर ऑफ पॉज प्रोटॉन, ऐसे बोल सकते हो, इज ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज जो एराइज होता है वो कहां से होता है कि यदि क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा किसी भी बॉडी में सेम होगा तो हम बोलेंगे क्या होगा, वो चार्जलेस होगा। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, कि बॉडी जो है क्या है, निगेटिवली चार्ज है। और हमने ये बोल दिया कि किसी भी बॉडी में यदि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो हमने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इज बीइंग एराइज्ड या कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इज अराइज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी मैटर। बात समझ में आया। तो बेटा यहां से एक पॉइंट याद रखना है कि जो चार्ज होता है